में हम लेआउट टैब के बारे में जानेंगे कि लेआउट टैब में क्या क्या होता है ये। तो लेआउट टैब में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज सेटअप ओपन हो जाएगा। तो पेज सेटअप में आज हम मार्जिन कमांड के बारे में, ओरिएंटेशन कमांड के बारे में, साइज कमांड के बारे में, कॉलम कमांड के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये फर्स्ट कमांड पे, मार्जिन कमांड के ऊपर। तो मार्जिन क्या होता है ये? मार्जिन का मतलब यहाँ पे टॉप से कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है हमने, ये बताता है ये। इसके बाद लेफ्ट साइड से कितना छोड़ा हुआ मार्जिन, राइट साइड से कितना छोड़ा हुआ मार्जिन, और ये हमारा बॉटम है, यहाँ पे हमने कितना छोड़ा हुआ मार्जिन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मार्जिन में सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास ये है लास्ट कस्टम सेटिंग। लास्ट कस्टम सेटिंग में ये जो सेटिंग है जो हमने पीछे काम किया हुआ है ये पिछले पेज पे, वो सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। ये सेकंड ऑप्शन है हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जितनी भी ये सेटिंग है हमारी ये नॉर्मल आ जाएगी। तो नॉर्मल में ये कितना कितना छोटा हुआ, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सभी में ये हमने सेम छोटा हुआ ये मार्जिन। देखो 2.54 सेंटीमीटर टॉप से, बॉटम से भी इतना छोटा हुआ है, लेफ्ट साइड से भी इतना और राइट साइड से भी इतना 2.54 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ये है नॉर्मल। नॉर्मल के बाद अगर हम ये नैरो पे जाएंगे तो नैरो पे देखो टॉप पे 1.27 सेंटीमीटर, बॉटम से 1.27 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार हम लेफ्ट साइड से भी इतना छोड़ेंगे और राइट साइड से भी 1.27 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। ये देखो हमने नैरो पे क्लिक किया तो ये हमारा जो है ये जो मार्जिन है ये नैरो के हिसाब से सेट हो गया। अगला है ऑप्शन हमारे पास मॉडरेट, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो टॉप से इसने कितना छोटा हुआ, ये 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम से भी इतना छोटा हुआ है, लेफ्ट साइड से कितना है ये है हमारा 1.91 सेंटीमीटर और राइट से है 1.91 सेंटीमीटर। तो ये मॉडरेट में है ये। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया ये देखो ये सेट मार्जिन सेट हो गया यहाँ पे। अगला ऑप्शन है हमारे पास वाइड, तो वाइड में ये देखो वाइड में क्या है ये, वाइड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टॉप से 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम से 2.54 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड से 5.08 सेंटीमीटर और राइट से भी 5.08 सेंटीमीटर, ये मार्जिन जो है ये सेट हो जाएगा। ये देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया ये देखो ये जो सेटिंग है अब ये मार्जिन उसी हिसाब से सेट हो गया ये वाइड में। तो अगला ऑप्शन है हमारे पास, सपोज करो ये हमारी पास बुक है, एक ये बुक है, यहाँ पे देखो एक पेज है ये सेकंड पेज है। तो पेज है इसके बीच में ये हमारे पास क्या है ये बीच में बाइंडिंग है, बाइंडिंग करने के लिए है, और ये जो है हमने ये मार्जिन छोड़ा हुआ है ये। तो हमारे पास दो पेज है और उसके बीच में ये बाइंडिंग की हुई है, बाइंडिंग करने के साथ ही ये उसके बीच में ये मार्जिन छोटा हुआ है। तो मिरर्ड में हम ये पेज सेटिंग करते हैं ये अपने बुक की, जैसे अगर हमने बाइंडिंग करनी है तो लेफ्ट साइड से कितना छोड़ना है, राइट साइड से कितना छोड़ना है, इसकी सेटिंग यहाँ पे की जाती है। ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मिरर्ड यहाँ पे ये सेटिंग आ जाएगी। ये देखो हमारे पास ये लेफ्ट साइड से इतना छोटा हुआ ये इसके बाद ये देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज में जो है ये देखो ये जो हमारी लेफ्ट साइड का है ये ज़्यादा है, ये राइट साइड से देखो सेकंड पेज ये दूसरा पेज है, यहाँ पे ये कम हो जाएगी ये देखो यहाँ पे ये जो मार्जिन है ये कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम थर्ड पेज पे जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड से ज़्यादा हो जाएगा, ये देखो लेफ्ट साइड से ये मार्जिन ज़्यादा हो गया ये। इसी प्रकार हम फोर्थ पेज पे जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड से कम हो जाएगा, ये देखो लेफ्ट साइड से इसका मार्जिन कम हो गया ये। तो ये हमारे पास मिरर्ड की यहाँ पे ऑप्शन है ये। तो इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन जो है ये कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे
तो ये कस्टम मार्जिन आ जाएगा। कस्टम मार्जिन पे ये सपोज करो ये मिरर्ड का ये ऑप्शन खुला हुआ है, ये पहले हम इसको नॉर्मल पे लाते हैं, ये नॉर्मल, इसके बाद कस्टम, ये कस्टम मार्जिन यहाँ पे क्लिक करेंगे। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ये सपोज करो यहाँ पे हमने टॉप से कितना छोड़ा, ये 2.54 सेंटीमीटर, तो हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अगर सपोज करो हमने इसको कम करना है, ये देखो ये कम हो रहा है, ये हमारा प्रीव्यू नीचे शो कर रहा है, ये जैसे जैसे हम इसको कम कर रहे हैं, ये सपोज करो हमने इसको 1 रखा और बॉटम से भी हमने इसको 1 रखा, ये देखो कम किया 1 रखा, लेफ्ट साइड से भी हमने इसको कम किया 1 रखा, या सपोज करो ये 1 रखा यहाँ पे, और राइट साइड भी हमने इसको 1 रखा, ये हमने यहाँ पे 1 किया। ये है इसके बाद गटर, ये गटर की सेटिंग होती है। सपोज करो हमने ये गटर यहाँ पे कोई पेज है, तो यहाँ पे गटर सेटिंग हम कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये देखो गटर सेटिंग आ रही है, ये देखो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ये गटर सेटिंग यहाँ पे हो रही है, ये तो ये भी हम सेट कर सकते हैं। ये तो है हमारी लेफ्ट साइड से गटर सेटिंग सेट करना है। अगर हम ये ऊपर से यहाँ से गटर, ये जैसे यहाँ से करना है ये टॉप से, तो ये भी ऑप्शन हम यहाँ से ले सकते हैं। ये देखो टॉप से ये जो गटर सेटिंग है टॉप से आ गई, इसको और बढ़ाना है तो ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो गटर सेटिंग जो हमने लिखा हुआ है वो इसी के बीच में रहेगा, बाकी ये वाइंडिंग हो जाएगा, ये देखो ये यहाँ पे आ गया ये। तो इस प्रकार हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर हमने गटर सेटिंग नहीं चाहिए तो इसको 0 यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है। इसके बाद है ये हमारा ये जी सेटिंग है, जो भी करनी है ये सारी सेटिंग यहाँ पे होती है। इसके बाद हमने ये ऑप्शन कर लिया, ये ऑप्शन जो है ये कस्टम सेटिंग होती है, कस्टम अपने हिसाब से हम इस यहाँ पे कुछ भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये इसके बाद है अगला ऑप्शन है हमारे पास, अगली जो कमांड है हमारे पास ये है ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशन में यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन होंगे, पहला है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट कौन सा पेज सेटिंग होती है, सपोज करो ये जो सेटिंग है इस टाइम जो है ये हमारे पास पोर्ट्रेट सेटिंग है। ये अगर हमने इसको लैंडस्केप करना है, मतलब हॉरिजेंटल करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लैंडस्केप। तो ये क्लिक किया, ये देखो ये जो सेटिंग अब आ गई, ये लैंडस्केप सेटिंग आ गई। तो इस प्रकार हम यहाँ पे दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये तो जो डिफॉल्ट है यहाँ पे हमने पोर्ट्रेट यहाँ पे यही रखा है, ये सेटिंग है ये। तो ओरिएंटेशन में हम या तो पोर्ट्रेट में कर सकते हैं अपने पेज को, या ओरिएंटेशन में कर सकते हैं। ये यहाँ पे दो ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। ये अगला साइज है, ये हमारा पेज है, इसका साइज कौन सा साइज हमने लेना है, ये है। तो लेटर में ये हमारी सेटिंग है 21.59 सेंटीमीटर और 27.94 सेंटीमीटर। तो ये किसकी है, ये किसका मार्जिन है, ये हमारे लेटर का। तो और भी यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, लीगल है, ये देखो लीगल की 21.59 और दूसरा जो है ये 35.56 सेंटीमीटर। तो ये सेटिंग भी हम यूज कर सकते हैं। ये लीगल पे क्लिक करेंगे तो ये लीगल की सेटिंग आ गई। तो इसके बाद आगे स्टेटमेंट का है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ये साइज या एग्जीक्यूटिव, ये भी साइज हम यूज कर सकते हैं। ये A3 साइज ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन हम यूज करते हैं, जो हमारे काम आता है ये, वो है A4 पेज, A4 साइज। तो जो भी हम पेपर यूज करते हैं वो पेपर यूज होता है ये हमारा A4। तो A4 का ये हमारी सेटिंग है, ये 21 सेंटीमीटर और 29.7 सेंटीमीटर A4 का ये हमारे पास मार्जिन है इतना है ये। तो इसकी सेटिंग जो हमारा मेन पेज होता है वो A4 होता है ये। तो यही हमने
चूज करना है ये A4। ये देखो A4 हमने यहाँ पे साइज चूज किया, तो ये A4 साइज आ जाएगा। जब भी हम प्रिंट लेंगे तो A4 साइज ये यहाँ पे आ जाएगा। ये इसके अलावा यहाँ पे और भी साइज है, ये हम इसको यूज कर सकते हैं। ये या और भी यहाँ पे मोर पेपर साइज करना है तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन कोई भी, ये देखो लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A4 है, या जो भी है A5 है। तो जो भी हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे, जैसे सपोज करो हमने A3 किया, तो यहाँ पे हम ये पेज सेटिंग यहाँ पे विड्थ और हाइट ये अपने हिसाब से ये चेंज कर सकते हैं। ये तो ये हम पेज सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं ये अपने हिसाब से। ये तो ये हमारा साइज है, तो साइज में क्लिक करके हम कोई भी साइज यहाँ पे अपने ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो है जो हम पेपर यूज करते हैं ये हमारा A4 होता है, तो हम A4 को ही यहाँ पे चूज करेंगे। तो A4 यहाँ पे जब भी हम प्रिंट लेंगे तो जो हमारा पेज डाला जाता है वो पेज यहाँ पे निकल जाएगा। इसके अलावा अगला जो हमारी कमांड है वो है कॉलम की। तो कभी कभी क्या होता है मैगजीन्स वगैरह या न्यूज़पेपर में क्या होता है, ये कॉलम बने होते हैं, ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो हम अपने डिमांड के हिसाब से ये कॉलम बना सकते हैं, ये कि हमने कितने कॉलम रखने हैं। ये सपोज करो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके हमने दो कॉलम बनाने हैं। ये तो दो कॉलम बनाने के लिए यहाँ पे हम टू पे क्लिक करेंगे। ये देखो जैसे ही हमने टू पे क्लिक किया तो हमारे पास ये दो कॉलम बन के आ गए। ये देखो एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। अगर तीन कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे थ्री पे क्लिक करेंगे, ये देखो तीन कॉलम पे यहाँ पे बन जाएंगे, ये तीन कॉलम बन गए। इसके अलावा लेफ्ट साइड से ये देखो ये ऑप्शन लेफ्ट साइड से, तो ये जो चौड़ाई है ये लेफ्ट साइड से इसकी जो है ये कम आएगी, राइट साइड से ज़्यादा आएगी। अगला है ऑप्शन हमारे पास राइट, तो ये देखो लेफ्ट साइड से ये चौड़ाई ज़्यादा आएगी और राइट साइड से ये कम आएगी। तो इस प्रकार भी हम ये कॉलम सेट कर सकते हैं। ये अगर अगला करना है मोर कॉलम, यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर कॉलम, ये तो आगे यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग करना है। एक कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए, थ्री चाहिए, या लेफ्ट साइड चाहिए या राइट साइड चाहिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए यहाँ पे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सपोज करो यहाँ पे हमने यहाँ पे थ्री किया, फोर किया, यहाँ पे सपोज करो फोर कॉलम चाहिए, तो फोर कॉलम यहाँ पे मैंने ये भरा, ये फोर कॉलम आ गया ये। और फोर कॉलम में ये कॉलम फर्स्ट की ये विड्थ है, ये स्पेसिंग है, ये सेकंड की ये विड्थ है ये, और ये स्पेसिंग है। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से विड्थ और स्पेसिंग सेट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे कितनी विड्थ और स्पेसिंग सेट करनी है। ये तो ये देखो तीन कॉलम है, इसके अलावा ये चार कॉलम है, तो इन कॉलमों की हम अपने हिसाब से विड्थ और स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। ये तो ये हम अपने हिसाब से यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हमने ये फोर कॉलम क्रिएट करने हैं, तो ओके किया ये देखो फोर कॉलम यहाँ पे बन के आ जाएंगे, ये एक दो तीन चार, ये हमारे पास चार कॉलम यहाँ पे बन के आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये कॉलम की सेटिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे वन पे क्लिक किया, ये एक ही कॉलम बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन कमांड, ओरिएंटेशन कमांड, साइज कमांड और कॉलम कमांड के बारे में जाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।